टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ढेरों कैंडलस्टिक पैटर्न हम सीख गए हैं, लेकिन कुछ रह गए हैं। एक भी रहने नहीं देंगे, आपके लिए सारे कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर आएंगे। आज भी एक अनोखा सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए लेकर आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर आए हैं उसका नाम है 3 Inside Up कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमनली मिलने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है और बहुत प्रॉफिटेबल भी। अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ठीक से समझा जाए तो आपको इसमें बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो ये किस तरह से काम करता है, कैसे दिखता है, क्या इसकी साइकोलॉजी होती है, सारा चीज़ हम बोर्ड पर समझेंगे, उसके बाद ऑन स्क्रीन भी देखते हैं। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। फ्रेंड, जैसे ही नाम से हमें पता चलता है 3 Inside Up कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब यहाँ पे 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए दोस्तों कि जब भी डाउन ट्रेड चल रहा हो, मतलब मार्केट नीचे आ रहा हो, लगातार सेलर्स बढ़ रहे, तब एक बियरिश कैंडल बनी हो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई हो, और उस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग इसके मिड पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। इसके मिड पॉइंट से जो पहली कैंडल थी बियरिश, उसके हाफ से ज़्यादा इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, और तीसरी कैंडल जो बनने वाली है उसकी क्लोजिंग इसके हाई से, पहले वाली कैंडल की हाई से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तीनों कैंडल को मिलाकर बोलते हैं 3 Inside Up कैंडलस्टिक पैटर्न। और जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है। फिर से एक बार बताते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जब लगातार सेलर सेलिंग करते जा रहे हैं, तो पहली कैंडल बनी हो बियरिश, उसके बाद बुलिश कैंडल बनी हो, और उस बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पहली वाली बियरिश कैंडल के हाफ से ऊपर हो, मिडिल पॉइंट से ऊपर हो, और थर्ड कैंडल बने जिसकी क्लोजिंग पहले वाली कैंडल के हाई से ऊपर हो, तो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है 3 Inside Up कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये पैटर्न आपको बहुत बार मिलेंगे ट्रेडिंग में। दूसरी चीज क्या है कि जब भी ये डाउन ट्रेंड में चलते हुए ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से अप साइड पे चला जाएगा, तो हमको बाय सिग्नल मिलता है। अगर यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिलती है, तो हम ये जो नीचे वाली जो सेकंड कैंडल थी उसके लो पर हम SL लगा देंगे, और यहाँ से मार्केट अप चला जाएगा। तो अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं कि मार्केट में सेलर्स का जोर ज़्यादा था, वो लगातार बिकवाली कर रहे थे, इसीलिए मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन उनका जोर बायर्स ने यहाँ बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्लोजिंग वहाँ पे दी जहाँ पे बियर्स के हाफ, मतलब इस कैंडल के हाफ के ऊपर में दी, और उसके बाद दोबारा से बायर्स और बढ़ गए और इसके हाई को भी तोड़ दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अब सेलर्स का जोर खत्म हो चुका है, अब बायर्स बढ़ गए हैं, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस लगाते हुए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हो। हमने बोर्ड पर तो ये समझ लिया कैंडलस्टिक पैटर्न, अब इसे ऑन स्क्रीन भी जाकर देखते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ बातें आप लोगों से करना चाहते हैं कि अगर आपका जीरोधा अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग में अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। साथ ही अगर आप हमारे साथ में सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ में लाइव में जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल के नीचे सब्सक्रिप्शन के बाजू में ज्वाइन बटन है, वहां जाकर आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे साथ में लाइव में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, अब हम बोर्ड पर तो समझ लिए, ऑन स्क्रीन पे भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने लगा लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट। वैसे आपको जिसमें भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, सब में एक जैसा ही वर्क करेगा, और कोई से भी टाइम फ्रेम में एक जैसा ही वर्क करता है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से ट्रेंड डाउन आया, एक रेड कैंडल बनी, फिर दूसरी रेड कैंडल बनी जिसका हाई पिछली रेड कैंडल के मिडिल से ज़्यादा था, मिड पॉइंट से उसका क्लोजिंग ज़्यादा ऊपर था। ये हमको पहली कंडीशन चाहिए। दूसरी कंडीशन चाहिए कि तीसरी कैंडल का हाई
पहली कैंडल के हाई से ज़्यादा क्लोज वो ऊपर दे, पहली कैंडल के हाई से तीसरी कैंडल का क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए और ये कंडीशन मैच खा गई। तो इन तीनों कैंडल का कम्बिनेशन को बोलते हैं थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चला जाता है और ये रेयर नहीं है, ये कॉमन है, ये आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसके लिए आप एक वो भी कर सकते हैं कि आप जीरोधा में ये फैसिलिटी दी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप पहचान नहीं पाते हैं तो वो ऑलरेडी रेडीमेड आपको बना कर दे देता है, नाम के साथ में दे देता है, तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। जीरोधा में ये फैसिलिटी है और ट्रेडिंग व्यू में भी है। अगर आपके पास ये जो ट्रेडिंग व्यू है एप्लीकेशन, उसमें से भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डाउन आया, एक रेड बना, ग्रीन उसके मिड पार्ट से ऊपर बना, तीसरी ग्रीन कैंडल भी पहली रेड कैंडल के हाई के ऊपर है। तो ये तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन इनसाइड थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न है और देखिए उसके बाद मार्केट कैसे ऊपर चला जाता है। ये कॉमनली पाया जाने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बहुत मिलता है दोस्तों। तो अगर आप जीरोधा यूज़ करते हैं तो आपको आसानी से ये मतलब बना के ही दे देगा कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन नहीं आता है और नहीं मिल रहा है आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप ये जान लीजिए कि बस एक रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल जो पहली रेड कैंडल के मिडल के ऊपर और तीसरी वाली उसके भी हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है थ्री इनसाइड अप का। और बस ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया दोस्तों, फिर उसके बाद में आपको प्रॉफिट होगा अच्छा खासा। तो ये हमको लगातार मिलते रहता है, काफ़ी कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपके पास जीरोधा या ट्रेडिंग व्यू है तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी कम्प्लीटली बना कर ही दे देता है। तो इस तरह से आप को खोजने में भी परेशानी नहीं होगी। और लेकिन जिसके पास नहीं है तो अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपनी टेक्निक्स बढ़ाइए, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की वीडियो देखिए। तो आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सॉफ्टवेयर पर नहीं, आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं है तो आप खुद भी पहचान सकते हैं। तो इसलिए हम ये छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको हर प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा रहे हैं ताकि आप भविष्य में टेक्निकल एनालिसिस सीखकर अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। तो दोस्तों ये था थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी ज़रूर करना, कि आपके कमेंट्स हमें और भी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।